नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की फ्लेक्सी योजनाएं जनता के लिए। सरकार का कहना है कि आम जनता की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, पार्टी कार्यालय हो या फिर मुख्यमंत्री के जरिए कलेक्टर एसपी को कॉन्फ्रेंस में, प्रभारी सचिवों को, मंत्रियों को जिलों में भेजे जाना। लेकिन बावजूद उसके अगर अधिकारियों के सामने ही, प्रभारी मंत्री के सामने अगर विधायक ये कहें कि फ्लेक्सी योजनाओं के लिए जो विधायक कोष हम पैसा खर्च करते हैं वो पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है, अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, और ये वाक्य हम बता रहे हैं आपको जयपुर। कुछ इसी तरह का दृश्य एक दिन पहले भी देखने को मिला। आखिर लापरवाही कहां है? हम कई बार ये बात कहते हैं कि सरकारों की नीयत साफ है, लेकिन नीति और उसका इंप्लीमेंटेशन, उसी पे सवाल उठता है। फ्लैगशिप योजनाएं जनता के लिए होती हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उनके क्रियान्विति को कभी कोई देखने का जहमत उठाता है? ये सबसे बड़ा सवाल है, और यही बड़ी वजह है कि सरकारों पर उंगलियां उठती हैं। चले, मोहनलाल गुप्ता इस पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन गुलाबचंद कटारिया जो जयपुर के प्रभारी मंत्री भी हैं वो बात को ढकने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे आने के बाद में हालात सुधरे हैं। हालात क्यों सुधरे हैं? जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो आखिर अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब करेंगे? क्यों नहीं होता ऐसा? लगातार बैठकें होती हैं, साल में हर साल वीडियो कॉन्फ्रेंस, दो दो तीन तीन बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, प्रभारी सचिवों के जरिए, प्रभारी मंत्रियों के जरिए, एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के जरिए एक मैसेज दिया जाता है कि फ्लैगशिप योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन ठीक से होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए। बावजूद उसके भी अगर सत्ता पक्ष के एमएलए अगर ये बात उठाएं तो लगता है कहीं ना कहीं मामला जिस तरह का मुख्यमंत्री सोच के चल रही है उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं है। जरूरत इस बात की है कि समय पहले, समय से पूर्व इस बात की तहकीकात की जानी चाहिए। चलिए हम सुनाते हैं कि किसके क्या दावे हैं बैठक के बाद, और बात चर्चा करते हैं हमारे पैनल के साथ। मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग में बसी हुई कॉलोनियां, उनके पट्टे देने का इशू उठाया है। नर्सिंग कॉलोनी, बैरवा कॉलोनी, मीणा कॉलोनी, इन सब कॉलोनियों के पट्टे देने का मामला उठाया है। कलेक्टर साहब ने कहा है कि जितनी जमीन होगी उतनी जमीन हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे देंगे और उनको पट्टे जल्दी इशू करवा देंगे। मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी प्रगति है, और लगातार इस मॉनिटरिंग का परिणाम रहता है कि हम उन चीज़ों को कहाँ पिछड़ रहे हैं उसको भी आगे देके गति देने का। हर फाइनेंशियल ईयर के काम के टारगेट है, टारगेट पे हम कहाँ खड़े रहे, पहले क्या जुड़ाव कमी रही, उन सब कमियों को दूर करने करते हैं। अच्छा प्रयास है, इसके परिणाम भी अच्छा है। मैं तो नहीं कहूँगा सारे नहीं, कई जगह अलग अलग हैं, कई जगह अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी रही है, कई जगह कम है। उसके लिए मंत्री महोदय ने भी कहा है, प्रभारी मंत्री जी ने, उनको गति देने की जरूरत है। कहीं प्रक्रिया में कोई चीज़ है और उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं उसके बारे में निर्देश दिए हैं। बड़ी मोटी चीज़ मैं कह सकता हूँ ये कि इस तरह की रेगुलर मॉनिटरिंग से परिणाम अच्छे आते हैं, उनकी प्रगति भी ठीक है। सरकार की जो योजना है, जल स्वावलंबन है, स्वच्छता का बनाना है, नरेगा है, शिक्षा विभाग है, मेडिकल है, सबका रिव्यू किया। रिव्यू का संतोषजनक मतलब लगातार रिव्यू करने के बाद निश्चित रूप से प्रोग्रेस आ रही है। नहीं नहीं, ऐसा आरोप नहीं है। वो कहे कि बराबर मॉनिटरिंग करने से, जब मैंने शुरू किया तब विधायकों और सांसदों का फंड का जो खर्चा था वो 5% था, आज की तारीख में वो 40% से ऊपर आया। तो मतलब काम तो है, लेकिन मॉनिटरिंग चाहता है तो वो हम कर रहे हैं। तो गुलाबचंद कटारिया जो प्रभारी मंत्री भी हैं वो कह रहे हैं कि पहले 5% खर्च हो पा रहा था, अब 40% हो रहा है। 100% क्यों नहीं? जो फंड जिस माध्यम के लिए खर्च करने के लिए एमएलए अपने फंड में से जारी करते हैं, बावजूद उसके अगर ये बात कही जाए कि 40% तक अब मैं लेके पहुंचा हूं, पहले 5% हुआ करता था, तो हालात रोचक कहे जा सकते हैं। चलिए, शीलदा भाई जी भाजपा नेता हमारे साथ में हैं, ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। शील जी, अभी आपने सुना गुलाब जी खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 40% तक तो खर्च हो पा रहा है, 100% क्यों नहीं? मुख्यमंत्री की इच्छा साफ है कि जो पैसा है वो पूर्णतया खर्च होना चाहिए। देखिए, वाकई में योगेश जी बहुत ही चिंता की बात है कि जो फंड विधायकों को दिया जाता है 2 करोड़ या इससे ज्यादा जो भी है,
उसको उस ड्यूरेशन में पूरा किया जाना चाहिए, उसको खर्च किया जाना चाहिए, जनता के हित में काम में लिया जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि अभी कटारिया जी बता रहे हैं कि पहले से ज़्यादा थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो वो ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ ना कहीं जो एक बीच में कम्युनिकेशन गैप है, विधायकों के बीच में हो या अधिकारियों के बीच में हो या कर्मचारियों के बीच में, ये आपसी तालमेल होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि एक मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। जब एक विधायक फंड अपनी तरफ से फंड देता है किसी योजना के लिए, तो उसकी मॉनिटरिंग भी जरूर होनी चाहिए। और अधिकारियों का ये दायित्व है कि अधिकारी किसी भी सरकार से बंधा नहीं होता, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी या कोई भी हो, उसको अपना काम करना है, उसको निष्ठापूर्वक जनता की सेवा करना है। क्योंकि जवाबदेही एक अधिकारी की नहीं होती, जवाबदेही होती है एक विधायक की। तो विधायक को भी संतुष्ट करना है, और विधायक जब जनता के सामने जाता है तो उसको अपने कमिटमेंट पूरे करने हैं। जहां तक मैं मुख्यमंत्री जी की बात करूं, मुख्यमंत्री जी लगातार सारे अधिकारियों को बुला के मॉनिटरिंग करती रहती है, और जो भी संबंधित विधायक हैं या जो विभाग के मंत्री हैं उनको भी बुलाकर से उनसे पूछा जाता है रेगुलरली कि आपने एक वर्ष में जो फंड दिया था उसमें कितना ज्यादा आपने खर्च किया है और कितने पैसे की आवश्यकता है। तो एक रिपोर्ट कार्ड बना के देनी पड़ती है, और मुख्यमंत्री जी स्पेशली मंथली या सिक्स मंथ में जो भी है रेगुलर ये हर विधायक से बातचीत करके, मैं तो जहां तक कहूंगी कि वो जिले में जाकर बिल्कुल फेस टू फेस सारे विधायकों से मिलकर वहां की जनता से भी पूछती है कि जो फंड हमने दिया वो जनता के हित में कितना काम आ रहा है, उसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग भी लेती है। मुख्यमंत्री जी सिर्फ अधिकारी जो रिपोर्ट दे देते हैं उस पर डिपेंड नहीं रहती, वो स्वयं देखती है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, हम सरकार की इच्छा शक्ति पे बिल्कुल भी संदेह नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन की का स्तर जो है वो अपने आप सवाल खड़ा करते हैं, और आपके खुद के अपनी पार्टी के एमएलए को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। 3.5 साल का वक्त निकल जा चुका है, अब आप लोगों के पास में 1.5 साल का वक्त है जिसमें 1.25 साल का वर्किंग पीरियड आप लोगों के पास होगा। इतने लंबे वक्त में अगर स्थितियां इसी तरह की हैं, सडन इंस्पेक्शन मुख्यमंत्री भी करती हैं, अधिकारियों को भी भेजती हैं, प्रभारी मंत्रियों को भी कहा जाता है कि फ्राइडे को आप यहां से कूच करिए, सैटरडे संडे को वहां जाके मीटिंग करिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चौपाल की जो बात कही जा रही है लगातार कि आप रात को जाके वहां चर्चा करिए लोगों से, आदमी जब बैठता है लंबे समय तक समय स्पेंड करता है तो कुछ चीजें निकल करके आती हैं, वो चौपाल की भी स्थितियां यही रही है। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी खुद पार्लियामेंट में ब्यूरोक्रेसी के रवैये को लेकर के सवाल खड़ा कर चुके हैं, आप लोग खुद इस बात को जानते हैं, और जैसे कि हम लगातार कहते हैं आप लोग भी मानते हैं इस बात को कि फ्लैगशिप योजनाएं जनता के लिए ही होती हैं, लेकिन फिर भी उनके क्रियान्वयन की जो योजनाएं हैं, जो क्रियान्विति होनी चाहिए उस पर असर पड़ रहा है। और यह सवाल उठता है कि सरकार का इतने मॉनिटरिंग के बावजूद भी अगर ये स्तर है तो फिर कौन आएगा इसकी मॉनिटरिंग के लिए? जी जी, हाँ, जी। देखिए योगेश जी कि ये तो प्राथमिक दायित्व तो सरकार का ही है, मॉनिटरिंग सरकार को ही करनी है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रख रहा है कि जो अधिकारी काम नहीं कर रहा, सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश हुए उनके अनुरूप काम नहीं कर रहा, तो उनको भी सजा दी जानी चाहिए, उनकी भी पोस्टिंग को इधर से उधर करना चाहिए। मैं तो कहना चाहिए जो भी एक लीगली एक्शन होता है लीगली एक्शन लेना चाहिए। चलिए मैं आपके पास में लौटूंगा, मैं अभी आपके पास में लौटूंगा, ओम सैनी साहब से बात करूंगा। देखिए ओम जी, लगातार ये बात हर कोई कहता है कि मैक्सिमम जो योजनाएं होती हैं फ्लेक्सिव योजनाओं का मतलब है कि जनता को समर्पित है आप, और गवर्नमेंट बनाती भी उसी के लिए है। लेकिन वाकई जब एमएलए संतुष्ट नहीं हो अपनी पार्टी के, तो मॉनिटरिंग हो चाहे सिस्टम हो उस पर सवाल खड़ा होना लाजमी है, चाहे उसे किसी भी तरह से ढकने की कोशिश की जाए। लेकिन हमारा मानना है कि इस बात को लेकर के सरकार को पूरी तरह से देखा जाना चाहिए कि वास्तव में ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए कुल मिलाकर के मैं दो मुख्यमंत्रियों को बड़े गौर से देख रहा हूँ। पहले तो मैंने अशोक गहलोत जो कांग्रेस की सरकार थे मुख्यमंत्री थे, तो वो लोग वो कहते थे कि साहब जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्रशासन नौकरशाही है उसको उन बातों के लिए कमिटेड होना चाहिए, नौकरशाही किसी के साथ में वो नहीं रहे, वो तो जो काम उनके नथी कर दिया उसको पूरा करे। लेकिन देखने में आया कि वैसा हुआ नहीं, और वही फ्लैगशिप योजनाओं की मार से ही मेरा ख्याल है कि पिछली सरकार गई। ठीक उसी तरीके से वर्तमान मुख्यमंत्री ने सुशासन की बात की कि सब गवर्नेंस किसे कहते हैं, इसके लिए विख्यात हैं वसुंधरा जी, और गवर्नेंस के सिलसिले में उन्होंने सारा काम करना प्रारंभ किया। उस संभागों में गई, मीटिंग ले ली, विभिन्न विभिन्न संभागों में चीजें देखी, लेकिन वो सब चीजें सुधरी नहीं है। और आज हम देख रहे हैं कि MLAs ये शिकायत करने लगे हैं कि जो काम होने चाहिए वो काम हो नहीं रहे, और ये सबसे बड़ी कमी इस बात की, मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है
कि हम दूर से देख करके समझ सकते हैं कि साहब जो कैडर बेस्ड पार्टी है, जिसके पास में कैडर है जो मॉनिटरिंग कर सकता है और जो देख सकता है कि लोगों के काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अभी पैसे का खर्च करने का जो सिलसिला है, गुलाब चंद जी कटारिया बोल रहे हैं कि 40% पैसा खर्च होने लगा, पहले 20 होता था, ये कोई बात नहीं है, ये कहने का सिलसिला नहीं है। इस पे तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा उनको नजरें झुकाना चाहिए कि 3 साल शासन करने के बाद में भी 100% का सिलसिला नहीं है। लेकिन साथ साथ में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये मुझे नजर आती है कि अगर मुख्यमंत्री जिस तरीके से एक्टिव हो रही है, मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर बदले हैं, मुख्यमंत्री ने मॉनिटरिंग के लिए डिजिटलाइजेशन का केंद्रीयकरण किया है कि वो हर चीज को मॉनिटर करेंगे, लेकिन वो जब तक करेंगे मेरे को लगता है कि बहुत देर हो जाएगी। और ये साहब मेरा ख्याल है कि तत्काल इन सब चीजों पर गौर करके और विधायकों की जो शिकायतें हैं उन पर अमल करना चाहिए। जी चलिए, मनोज दुग्गल साहब हमारे साथ में कांग्रेस नेता इस वक्त है। मनोज जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो मॉनिटरिंग का अभाव रहता है या मॉनिटरिंग होने के बावजूद भी ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं करते हैं, इसमें जब और बातें सामने आई तो यह भी कहा जा रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार के वक्त ही ढर्रा खराब हो चुका था तो उसको पटरी में लाने में वक्त लगेगा। हालांकि कटारिया ये बात नहीं कर रहे, लेकिन कई पार्टी के नेता ये बात भी कहते हैं। देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल स्पष्ट है, 3.5 वर्ष इस सरकार को निकल गया है और इसने अपना महत्वपूर्ण पीरियड निकाल दिया। अब ये खाली 1/4 साल के लिए सरकार रह गई है, लीपापोती की सरकार है, काम ये कर नहीं पाए। अब ये किसी पूर्ववर्ती सरकारों को चाहे दोष दें, चाहे और पीछे 50 साल की सरकार को, तो उससे काम चलने वाला नहीं है। जनता ने आपको वोट इतना मत प्रतिशत 164 सीटों का बहुमत दिया, ये देख के सोच के दिया कि आप काम करेंगे। एक गहलोत सरकार की जनहित की योजना वाली सरकार को जनता ने बदल डाला कि जो इतनी पेंशन योजना, मुफ्त दवा योजना, मुफ्त जांच योजना, जानवरों की दवाइयां फ्री, हमारे इसके अलावा गरीबों के लिए मकान थे, कितनी योजनाएं, मैं पेंशन योजना, मैं कितनी योजनाएं बताऊं जो गहलोत सरकार के समय शुरू हुई। लेकिन ये सरकार योगेंद्र जी अपना पटरी पर चढ़ने के बाद पटरी से अपने आप ही नीचे उतर गई, क्योंकि ये सरकार का मेन उद्देश्य जनहित में नहीं रहा। दूसरा कारण मैं कहूंगी, ये इस सरकार के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, कार्यकर्ता कहते हैं विधायक हमारी नहीं सुनता, विधायक कहता है मंत्री हमारी नहीं सुनता, मंत्री कहता है मुख्यमंत्री हमारी नहीं सुनते, या अधिकारी हमारी नहीं सुनते, अधिकारी कहते हैं मुख्यमंत्री। ये सरकार क्या चल रही, लीपापोती पे चल रही है सरकार, सरकार का कोई उद्देश्य नहीं है। इतने बड़े मैंडेट के बाद में सरकार को तो काम करने का इतना बड़ा मैंडेट मिला था, जनता ने बहुत विश्वास किया था, लेकिन सरकार अपने सब कामों से फेल हुई है, विकास से फेल हुई है। और यही कारण आप देखिए, सद्बुद्धि अनुष्ठान हो रहे हैं, कार्यकर्ता कर रहे हैं साहब, कौन कर रहे हैं साहब, शहर के युवा, भाजपा के युवा मोर्चा के सचिव कर रहे हैं कि विधायक अरुण चतुर्वेदी जी को भगवान सद्बुद्धि दे, विकास करें। बताओ ये क्या हो रहा है, ये तो सरकार के ही नुमाइंदे, सरकार के ही कार्यकर्ता, अभी भाजपा के कार्यकर्ता ने हाथी बाबू का बाग कांति नगर वार्ड नंबर 25 में पीएमओ को चिट्ठी लिख डाली कि हमारे जो विधायक है और मंत्री जी अरुण चतुर्वेदी जी इतने बड़े करोड़ों रुपए के काम बता रहे हैं, हमारे यहां तो एक ईंट नहीं लगी। अब आप बताइए, पीएमओ ने प्रमुख शासन सचिव को चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री विभाग को कि इसकी जांच की जाए, यहां का कार्यकर्ता एसटी विभाग का प्रकोष्ठ का अध्यक्ष, जो ये विधानसभा का अध्यक्ष ये शिकायत कर रहा है मंत्री के खिलाफ, ये क्या बात है। तो मंत्री जी उसका जवाब नहीं दे रहे। कल आज पेपर में आया भास्कर में, तो उन्होंने पूछा ये क्या विकास कार्य हुए, उस पर वो गौण हो गए। तो ये सब कार्य, ये पद्धति जो चल रही है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। जिम्मेदारी बनती है विधायक हो चाहे मंत्री हो, सरकार के प्रति जिम्मेदारी है, उन लोगों को काम करना चाहिए, लेकिन ये सरकार हर मोर्चे पे विफल हुई है, इसीलिए योगेंद्र जी ये आज स्थिति हो गई है। अब जाने के दिन आ गए तो ये अधिकारियों को चाहे दोषी ठहराओ, चाहे पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को ठहराओ, चाहे और किसी सरकार, इससे जनता मानने वाली नहीं। जनता ने आपको बहुमत बहुत सोच समझ के दिया था, लेकिन आप हर मोर्चे पे विफल निकले। चलिए, लेकिन आप तो खुशी मना रहे होंगे। देखिए खुशी मनाने का सरकार प्रवृत्त होने की तरफ है।